हेलो गाइस, बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वरागिनी शो के बारे में। स्वरागिनी शो की अगर बात करी जाए तो स्वरा और रागिनी का नाम ना है, मतलब तेजस्वी प्रकाश और हेली शाह का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस शो ने लोगों को इतना ज़्यादा लुभाया है। 2 साल तक ये शो ऑन एयर रहा था। इस बीच शो ने कमाल की TRP गेन करी थी। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये शो। लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं शो के सीज़न 2 की, जहाँ पर एक बार फिर से लोग हेली शाह और यहाँ पर रागिनी के कैरेक्टर में तेजस्वी प्रकाश को देखना चाहते हैं। अब ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं ज़रूर पता चलेगा आगे, लेकिन आपको जैसा कयास लगाए जा रहे हैं वो बता दें तो ऐसे में इन दोनों का दोबारा दिख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि स्वरा और रागिनी की हम बात करें, तेजस्वी और हेली की बात करें, तो ये दोनों ही फ़िलहाल इस तरह का कैरेक्टर अभी प्ले नहीं करना चाहती हैं। बात करें हेली शाह की तो वो कर रही हैं बॉलीवुड में एंट्री, वो चाहती हैं बॉलीवुड में एंट्री करना, और यही वजह है कि TV को बहुत लंबे टाइम से उन्होंने क्विट कर रखा और किसी भी प्रोजेक्ट को उन्होंने साइन नहीं किया है। बात करें अगर तेजस्वी प्रकाश की तो वो बोल्ड अंदाज में नजर आ चुकी नागिन सीजन 6 में। अब वो इस तरीके का बहु टाइप का ड्रामा नहीं करने वाली हैं, यही वजह है कि वो इस तरीके का शो अब साइन नहीं करेंगी। तो ऐसे में रिप्लेसमेंट तो तय है, ये तो डेफिनेटली तय है कि यहाँ पर आपको नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं स्वरा और रागिनी के कैरेक्टर से। पर वो कौन से चेहरे हैं, कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जो कि यहाँ पर नजर आएंगी, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिलहाल फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जो भी नई जोड़ी होगी उसे देखने के लिए। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का शो रहा है और जैसा कि आप जानते होंगे वो ज़्यादातर अपने शो के सीजन 2 में बाकी मेकर्स की तरह स्टारकास्ट चेंज करने को प्रेफरेंस देती हैं, जैसा कि ससुराल सिमर का सीजन 2 में किया, जैसा कि पलकों की छांव में शो के सीजन 2 में किया, जैसा कि साथिया सीजन 2 में किया, ठीक वैसे ही यहाँ पर स्वरागिनी सीजन 2 में होने वाला है। देखते हैं कि कौन सी वो एक्ट्रेस होंगी जो नज़र आएंगी और कौन से वो एक्टर होंगे जो कि उनके अपोजिट लक्ष्य और संस्कार का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। एक्साइटमेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।